जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हम चाहते क्या है? पहले तो हम ये चाहते हैं कि हम ये साबित करें अपने आप पर कि हम कुछ कर सकते हैं, फिर हम अपने घर वालों पे जो हमें नालायक समझते हैं आज तक उनको दिखाएं कि हम कुछ कर सकते हैं, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली को, फिर दुनिया में हमारा नाम हो, हमको कुछ इनाम मिले, पैसा कमाएं, इज्जत कमाएं, यही तो चाहते हैं हम. बाय द टाइम यू आर वेरी गुड, यू गेट ऑल ऑफ इट. आपके जो घर के लोग हैं, माँ बाप हों, पीयर्स जो भी हों, आपकी पीठ ठोक देते हैं, दोस्त भी वाह वाह करते हैं और सब ठीक हो जाता है और दुनिया भी आपकी इज्जत करने लगती है, आप काम ठीक कर रहे हैं, वेरी गुड जब तक हैं. एक्सीलेंट होने की क्या ज़रूरत है? दुनिया आपसे एक्सीलेंस नहीं मांगती है, दुनिया खुश है अगर आप वेरी गुड हैं. तो एक्सीलेंट होने की तकलीफ क्या है भाई? एक्सीलेंट होने का रीजन क्या है? सिर्फ एक, वो है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम. दुनिया खुश है लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, वो आप खुश होंगे होंगे, मुझे मालूम है मैं इससे बेटर कर सकता हूं. जब ये ईगो होती है तब आप एक्सीलेंट होते हैं. एक्सीलेंट आप दुनिया के लिए नहीं होते, एक्सीलेंट आप अपने लिए होते हैं. तो ये वो लोग हैं जो कि अपने काम को ऐसे दिखाते थे कि लापरवाह हैं और ठीक है समझे, लेकिन जब आ गया कोई काम, वो इनमें से हर एक, वो सिंगर हो कि म्यूजिक डायरेक्टर हो कि राइटर हो कि एक्टर हो, अमिताभ बच्चन अपना सीन आज भी ऐसे तैयार करता जैसे पहली पिक्चर है. ये सच है, जो नए हैं उतनी मेहनत करते होंगे जैसे वो करते. तो ये जो लगन है अपने काम की कि मैं कर रहा हूं तो बेस्ट होना ही चाहिए, ये ईगो है, वो कराती है.